शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनी जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, मैं समझाती हूँ उसे। नियति, अब ये सफेद रंग ही तुम्हारी नियति है। पति के मरने के बाद केवल एक यही रंग बचता है औरत के लिए, और बाकी सारे रंग बेकार हो जाते हैं उसके लिए। यही हमारी रीत है, यही हमारी परंपरा है, समझो नियति। ऐसा
जाओ। जल्दी आ जाओ। हमारी हालत पे कितना रोवे है आसमां भी तू देख लीजो। हमारी हालत पे तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जिंदा हूं और मेरा जवान बेटा चला गया, इससे ज्यादा मेरा और कुछ क्या खराब होगा जी। आपने तो कहा था अब हमें इसी दुख के साथ जीना है और इसी दुख के साथ मरना है। नियति की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही समीर। उस बेचारी को इतना गहरा सदमा लगा है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारा अंबर अब नहीं रहा। ऋषि, होनी को कोई नहीं डाल सकता। ओह ऋषि, तुम तो नियति से भी एक कदम आगे निकल चुके हो। अरे कम से कम वो तुम्हारी तरह दहाड़े मार के तो नहीं रो रही। अंबर के अंतिम संस्कार की किसी भी रस्म में नियति शामिल नहीं हुई है। पहले उस बेचारी ने अपना बच्चा खो दिया और अब पति, इतनी लंबी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी समीर। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि उसे मैं तसल्ली कैसे दूं, क्या कह के दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैशु, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, लेकिन मैं तुम्हारे तरह हार्टलेस नहीं हूं। इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बावजूद भी अब भी मुझ पे इमोशंस हैं। ये जो तुमने छोड़ के गया है ना, ये और कोई नहीं है, मेरा भाई है, मेरा छोटा सगा भाई। और इस बारे में तुम्हारी कोई भी बेहुदा बकवास मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
कुछ भी बोलने से पहले तुम 100 बार सोचना, समझी? मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे लिए मेरे बगैर 3 दिन रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा उसके बाद हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। तुम और मैं बस एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। वहीं पहुंच गई जहां अंबर गया है। माजी, 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 वो क्या हुआ बड़ी? घबराई हुई क्यों? माजी, वो नियति अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? चलो चल के देख। चल छोटी, छोटी, क्या हो गया नियति को? वो समीर, नियति अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या? मैं कब से उसे आवाज लगा रही हूँ। हे भगवान, चलो देखते हैं। अच्छा नियति, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भैया दरवाजा तोड़ दे क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। Oh,
ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? अच्छा, मैंने ये सब पहन लिया इसलिए ना, पर मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि समझदार इंसान वही होता है जो अपने आंखों देखी और कानों सुनी से ज्यादा भरोसा अपने विवेक पर करता है। मैंने रात भर सोचा मम्मी जी कि क्या सचमुच अंबर मुझसे दूर चले गए हमेशा के लिए। मेरे विवेक ने मुझे एक ही जवाब दिया कि नहीं नियति, अंबर वापस आएंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम सही सलामत है। आखिर मैं एक सुहागन हूँ, ये सब नहीं पहनूंगी तो अंबर को बुरा नहीं लग जाएगा? नियति, अंबर भैया इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारा विवेक इस सच को नहीं बदल सकता, पर हाँ, अगर विधवा होने के बाद तुम इस तरह से साज सिंगार करोगी ना, तो इस समाज की त्योरियां जरूर चढ़ जाएंगी। इसलिए उतार दो ये चूड़ियां, निकाल दो ये मंगलसूत्र, पोंच दो ये सिंदूर और पहन लो एक हल्के रंग की साड़ी जो एक विधवा को पहननी चाहिए, क्योंकि तुम अब एक विधवा हो। नहीं दीदी, मैं विधवा नहीं हूं। अंबर मुझसे कहकर गए हैं दीदी कि जब वो वापस आएंगे ना तो हम दोनों मिलकर। देखिए कैसे देख रही हैं, समझने को तैयार ही नहीं है। मम्मी जी आप ही समझाइए ना इन्हें। अब ये और नहीं चलेगा नियति, तुम्हें ये सब उतारना पड़ेगा और सबसे पहले ये सिंदूर।